इतने में है, नाथुराम गोडसे के बारे में काफी चीजें चर्चा में है जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदू सभा 1937 तक हिस्सा था जी। 1937 के बाद में हिंदू सभा का हिंदू महासभा हुआ जी। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग यह एक बेक की मिरर इमेज है जी। तो 1937 से लेके आज तक हिंदू महासभा ने आरएसएस को गाली मारी हुई है, आरएसएस का विरोध किया हुआ है। तो नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की जी। यह अमानवीय है जी। यह राष्ट्र के हित में नहीं है, यह मानवता के हित में नहीं है जी। और एक पॉइंट ध्यान में रखिए, 1946 में जवाहरलाल जी पंतप्रधान बने जी। तो उस समय उनका सत्ता में भागीदार था मुस्लिम लीग जी। और 15 अगस्त 1947 के बाद में नेहरू जी 50 साल तक 1950 तक नेहरू जी का सत्ता भागीदार था हिंदू महासभा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हिंदू महासभा के नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की जी। उसके बावजूद नेहरू जी ने ना हिंदू महासभा को सत्ता से निकाला, ना हिंदू महासभा के कैबिनेट मिनिस्टर को निकाला जी। उन्होंने सत्ता का उपभोग हिंदू महासभा के साथ किया और गांधी को प्रातस्मरणीय व्यक्ति मानने वाले संघ पर जी। उन्होंने प्रतिबंध लगाया जो बाद में उठाना पड़ा क्योंकि अन्यायपूर्ण था जी। और अनीतिमान था जी। तो नाथुराम गोडसे के मामले में भी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया हुआ है जी। कि हिंदू महासभा का 1937 से आज तक हमारा कोई संबंध नहीं जी। और हिंदू महासभा होने के बावजूद 51 में संघ स्वयंसेवकों ने जब जनसंघ शुरू किया जी, तो हिंदू महासभा का और संघ परिवार का कोई भी लेन देन नहीं जी। दिलीप जी, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है, जैसे कि हमने पहले देखा था, पहले जैसे कि एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि जब देश में कांग्रेस की एक सत्ता थी, मनमोहन जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ऐसा कहा जाता था कि उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो सोनिया गांधी के हाथ में है। तो आज भी राजनीतिक गलियारों में ऐसी एक चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में, क्या कहना है इस पर आपका? बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। पहला पॉइंट ये है कि नेहरू गांधी डायनास्टी, गांधी का मतलब महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी जी। तो नेहरू गांधी डायनास्टी का भारत पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी से राज है जी। भारत में 1946 से मई 2014 तक जी मोस्टली नेहरू गांधी डायनास्टी का राज था जी। और यह घरानेशाही, यह अलोकतांत्रिक है, ये हुकुमशाहीवादी है। और जब उनका खुद का पीएम नहीं बन सकता तो वो पीएम को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। तो मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे वित्त विशारद होने के बावजूद उनको रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी ने चलाया, जिसकी वजह से मनमोहन जी फेल हो गए। अब मामला हम संघ परिवार पर आते, तो संघ परिवार में केंद्र बिंदु में आरएसएस है और परिवार में 12 मास ऑर्गेनाइजेशन, 100 क्लास ऑर्गेनाइजेशन, 1.5 लाख प्रकल्प है। संघ भाजपा का नहीं, पूरे परिवार का नियंत्रण करता, ये सच है। किंतु ये नियंत्रण का तरीका मदर मॉडल पर है। संघ परिवार का आरएसएस यह माँ का रोल खेलती है, बाप का रोल नहीं जी। बाप का और माँ का अप्रोच अलग होता है जी। तो संघ परिवार पर रिमोट कंट्रोल से काम नहीं करती, बड़ा प्रिमिटिव और बैकवर्ड टेक्निक है जी। एडवांस टेक्निक जो माना जाता है, संस्कारित मन बनाओ, संस्कार करो, कार्यकर्ता निर्माण करो, ताकि सब एक ही लक्ष्य से काम करेंगे। तो संघ परिवार का हर कार्यकर्ता समर्थ समृद्ध भारत निर्मिति के लिए एक कार्यकर्ता है जी। और संघ मातृत्व के एंगल से उसका नियंत्रण करता है, पितृत्व के एंगल से नहीं, करके यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं है, यहाँ मेंटल प्रोग्रामिंग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। धन्यवाद।